मैं उस वक्त हूँ आगरा के मीना कोठी बाजार में, जहाँ पर बहन जी ने अभी अपने कार्यकर्ताओं को, उम्मीदवारों को संबोधित किया और उनको एक मूल मंत्र दिया कि जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन वो व्रत रखेंगे और जब तक वोटिंग पूरी नहीं हो जाएगी जब तक वो अपना उपवास नहीं तोड़ेंगे। सर आपका नाम बताइए। जी मेरा नाम काले कुरेशी है, 90 आगरा ग्रामीण विधानसभा से कोषाध्यक्ष हूँ। कोषाध्यक्ष है सर। एक खबर अभी चल रही थी, अभी एक नैरेटिव मीडिया ने सेट कर रखा है, जो मुस्लिम समाज है वो सपा के साथ है, आप कहाँ तक उस चीज को साबित कर सकते हैं कि ये गलत है या सही? जी मैं इन सारी बातों का खंडन करता हूँ। देखिए राजनीति में मुस्लिम समाज किसी एक का नहीं है, मुस्लिम समाज सब जनदाय की नीति पर काम करने वाला है। और जो बहन कुमारी मायावती जी ने 2007 से और 2012 के बीच में जो कार्यशैली करी है, सब समाज के हित में काम किया था, उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी जो दी थी वो मुस्लिम समाज का मान सम्मान स्वाभिमान बहन कुमारी मायावती जी ने रखा था। लेकिन सर मीडिया में खबरें तो यही हो रही है कि जो मुस्लिम समुदाय है वो ज्यादातर कितना प्रतिशत भी है वो अखिलेश सरकार के साथ है, सपा सरकार के साथ, और कुछ जो बचा हुआ है वो ओबीसी के साथ है। तो बहन जी के साथ कितना प्रतिशत मुस्लिम है? बहन जी के साथ में सब समाज और सब मुस्लिम समाज का पूरा मैं ये समझता हूँ। और अपनी मैंने विधानसभा में एक एक घर पे जाके भ्रमण किया है। मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ में बहुत 80 तादाद में है और आने वाली 10 फरवरी को हम लोग ये दिखा देंगे कि मुस्लिम समाज जो समाजवादी पार्टी अपने हितैषी बता रही है और इसी बीच में मुस्लिम समाज को जो समाजवादी पार्टी गुमराह करने का काम किया कर रही है और पहले से भी करती आई है, हम लोग ये आने वाली 10 फरवरी को बता देंगे कि मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी आपके घर के हितैषी नहीं है, हम बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं और आने वाली 10 फरवरी को और इस बार इस प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो मतलब मुस्लिम समुदाय जो बहन जी के साथ है इस बात पे सच्चाई है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया सर। 2007 में आपने देखा जी, 2007 की सरकार जो चली थी, मीडिया ने तो ये तक कह दिया था कि मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी के हित में नहीं है और मुझे उस मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन अब ये जन समूह देख रहे हैं आप, सब समाज और खास करके मुस्लिम समाज ने ही आपको बता दिया होगा कि यहाँ पर जो आने वाली 10 फरवरी है तारा से ज्यादा इतना मतदान करेंगे कि बहन कुमारी मायावती जी को इस बार नखलब की गद्दी पे क्या 5वीं बार मुख्यमंत्री बना के ही दम लेंगे। सर ऐसा क्या खास है बहन जी में जो आप 5वीं बार उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते? बहन जी में ऐसा हमने ये देखा, बहन जी सब समाज की बात करती हैं, सब समाज को लेकर चलती हैं और सबजन हिदायत सबजन की नीति पे आधार के पास काम करती हैं। और बहन जी ने लॉ एंड ऑर्डर पे इतना काम किया है और बहन जी के शासन में एक भी दंगा अगर कहीं हुआ हो तो बता दीजिए। सर दंगे की आप बात करें, दंगे की बात तो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि उनके राज में एक भी दंगा नहीं हुआ है, उनके राज में कहाँ सुरक्षित है? मैं समझता हूँ सुरक्षित नहीं है, केवल 2-3 समाज को टारगेट किया जा रहा है जिसमें खास करके मुस्लिम समाज का ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। आप मानते हैं कि योगी सरकार में मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है? जी जी, कहीं मुस्लिम कहीं गाय के नाम पे कहीं मोमलिन जी के नाम पे मुस्लिम समाज को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। तो उस आपको लगता है कि मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है बीजेपी सरकार में, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उनके राज में एक भी दंगा नहीं हुआ है, एक भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ है कि जिससे लोगों में ये गलत नीति फैले कि उनके राज में कोई दंगा हुआ है। देखिए ये जुमले की सरकार है, झूठों की सरकार है, कुछ भी कहती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ कोषाध्यक्ष जी, जिन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार में मुस्लिमों को टारगेट किया जाता और बहन जी की सरकार में मुस्लिमों को उसी तरह से सुरक्षित रखा जाता जिस तरह से सर्वजन को सुरक्षित रखा गया था। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द वॉइस।